हेलो, वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1, रियल नंबर्स। तो पिछले वीडियो में, रियल नंबर्स पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एक तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में और दूसरा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये क्या कहती थी? ये कहती थी कि अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर, इस तरह के दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहाँ ए बड़ा है बी छोटा है, तो क्यू और आर दो ऐसे यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करेंगे जो ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पर आर की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो के इक्वल होगी, लेकिन बी से हमेशा छोटी ही होगी। ये थी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। दूसरी बात जो हमने इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी थी वो थी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम ये क्या था? ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स था, स्टेप्स का सीक्वेंस जिन्हें यूज़ करके हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते थे। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा वही Q और R का भी HCF होगा। इस पंडे को यूज़ करके हमने ये एल्गोरिदम लगा के दो नंबर्स का HCF निकालना सीखा था। हम इसी नॉलेज को यूज़ करके आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225 दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनका HCF हमें फाइंड करना है यूक्लिड के डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करके। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 225 बड़ा नंबर है, 135 छोटा नंबर है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। और हम क्या जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहती है ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, तो 225 को 135 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा हमारे पास 135 माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आपके पास बचेगा 90। ये जो पूरा हमने डिवीज़न किया है इसको हम लेमा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो 225 यहाँ हमारा ए है, 135 हमारा बी है, कोशेंट है 1 और रिमाइंडर हमें मिला है 30। अब हमें पता है इसका और इसका HCF और इसका और इसका HCF तो सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 90 हमारा बन जाएगा डिवाइज़र और 135 हमारा बन जाएगा डिविडेंड। तो 135 को हम डिवाइड करेंगे 90 से तो हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 45। इस स्टेप को भी हम लेमा की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 135 इज़ इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट स्टेप सेम, ये स्टेप हम तब तक रिपीट करते चले जाएंगे जब तक हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल जाता। तो अब 45 हो गया डिवाइज़र और 90 हो गया हमारा, 90 हमारा हो गया इस बार डिविडेंड। तो 45 से हमने 90 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया ज़ीरो, यानी ये प्रोसेस अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसको भी हम लेमा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो लेमा की फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जिस टाइम रिमाइंडर 0 हुआ तो हमारा डिवाइज़र था 45, यानी इन दोनों नंबर्स का HCF 45 ही होगा। 135 और 225 का HCF हमारे पास आ गया 45। सेम यही प्रोसीजर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फॉलो करना है। तो 196 और 38220 ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से करेंगे डिवाइड और जो भी रिजल्ट आएगा उसे लेमा की फॉर्म में, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे।
r की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, हमेशा 0 से b के बीच में लाई करती है। 0 हो सकती है 0 से बड़ी, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। तो अगर आप 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से, तो आपको क्वोशेंट मिलेगा 195 और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। तो यानी ये नंबर पूरा पूरा इसे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो क्योंकि जिस टाइम पर रिमाइंडर 0 हुआ उस टाइम पर हमारा डिवाइज़र 196 है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा 196। ये डिवीज़न आप खुद करके देख सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसा ही है। तो 867 को आप डिवाइड करेंगे 255 से, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको लेमा की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें 867 को डिवाइड करना है 255 से। तो जब आप 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, आपको क्वोशेंट मिलेगा 3 और रिमाइंडर मिलेगा 102। फिर 255 को हम डिवाइड करेंगे 102 से, तो आपको क्वोशेंट मिलेगा 2 और रिमाइंडर मिलेगा 51। फिर जब 102 को आप डिवाइड करेंगे 51 से, तो आपको क्वोशेंट मिलेगा 2 और रिमाइंडर मिलेगा 0। अब इस टाइम पर डिवाइजर 51 है, तो हमारा आंसर HCF ऑफ 867 एंड 255 निकल कर आता है 51। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। आपको ये शो करना है किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 6q+1, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q+1 हो सकता है, या 6q+3 हो सकता है, या 6q+5 हो सकता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 6q+1, 6q+3, 6q+5, इन्हें अगर हम कंपेयर करके देखें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो यह हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा डिवाइज़र जिससे हम अपने पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और b हम मान लेते हैं 6, हम उस पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 या 5, क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 या 0 से बड़े होते हैं, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा छोटे होते हैं। तो ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यूक्लिड के डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग ये ए क्या हो सकता है? ये ए इक्वल होगा हमेशा बी क्यू प्लस आर के, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर इक्वल होगा हमारा, क्योंकि हमारा डिवाइजर 6 है, 6q+r के। उसके अलावा और कोई वैल्यू इस ए की नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्योंकि r हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग रिमाइंडर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी a की वैल्यू हमारे पास या तो 6q+0 हो सकती है, या फिर a की वैल्यू हमारे पास 6q+1 हो सकती है। ए या तो 6q+0 यानी 6 से आप डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, या ए 6q+1 है यानी अगर आप ए को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, या फिर हमारा ए 6q+2 है यानी आप ए को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, या ए 6q+3 है, या फिर ए 6q+4 है, या फिर ए 6q+5 है। इसके अलावा हमारा ए और कुछ तो नहीं हो सकता। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि इनमें से ऑड कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस और इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, अगर आपको याद होगा, हम क्या करेंगे, इवन ऑड को अगर हमें पहचानना है कि नंबर इवन है या ऑड है, तो हम देखेंगे वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो a इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से 2 बाहर ले लूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 3q। अब q एक इंटीजर है तो 3q भी एक इंटीजर होगा, तो हम इस इंटीजर को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2m, जहाँ पर m हम किसे कह रहे हैं, m हम कह रहे हैं 3q को।
अब a इज इक्वल टू 2m का मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू 2m प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू bq प्लस r से अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसका मतलब a को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी a इज इवन। तो हमारा a कैसा नंबर है? a एक इवन नंबर है, इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर्स तो हमें नहीं चाहिए, तो इस ये हमारे लिए कुछ सिग्निफिकेंट, यानी ऑड इंटीजर को हम 6q की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये तो इवन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज इक्वल टू 6q + 1। तो हमें इसको भी चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 × 3q + 1। तो 3q एक इंटीजर है, इसको हम अगर m से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2m + 1, जहाँ पर m हमारा इक्वल है 3q के। a इज इक्वल टू 2m + 1 का मतलब क्या है कि a को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब a इज ऑड, a एक ऑड इंटीजर है। नेक्स्ट देखते हैं, a इज इक्वल टू 6q + 2। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 कॉमन लेना चाहें तो 2 तो दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 3q + 1। अब q इंटीजर है तो 3 × q भी इंटीजर है, और इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो वो भी इंटीजर है। तो हमारे पास आया a इज इक्वल टू 2 × सम इंटीजर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m से। यहाँ पर हमारा m है 3q + 1। तो इसे अगर हम यूक्लिड की डिवीज़न लेमा से कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलेगा कि a को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कोई रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर 0 होगा, यानी a इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी a इज़ इवन। इवन इंटीजर को आप 6q + 2 लिख सकते हो, इवन इंटीजर को आप 6q लिख सकते हो, ऑड इंटीजर को आप क्या लिख सकते हो, 6q + 1, अभी तक हमें ये पता चला। नेक्स्ट देखते हैं, a इज इक्वल टू 6q + 3। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इसको 2 × 3q लिख दूँ, प्लस 3 कर दूँ, और हम इसे a इज इक्वल टू bq + r के साथ कंपेयर करेंगे तो ये डिवाइज़र दिखाई दे रहा है 2 और रिमाइंडर दिखाई दे रहा है 3, जबकि हमें पता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। तो इसमें हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। a इज इक्वल टू 2 × 3q प्लस, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2 + 1। तो अब इन दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 3q + 1 + 1, ये एक इंटीजर है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m से। तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 2m + 1, जहाँ पर m क्या है, 3q + 1। a इज इक्वल टू 2m + 1 का मतलब 2 a 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 1 वो छोड़ रहा है, तो इसका मतलब a इज ऑड। तो 6q + 3 की फॉर्म में अगर कोई नंबर हमारे पास है तो वो कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। 6q + 4, नेक्स्ट अगर हम देखें a हमारा क्या है, 6q + 4। यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे कि अगर हम 2 यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो दोनों टर्म्स में से ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 3q + 2। 3q + 2 भी एक इंटीजर होगा, तो a इज इक्वल टू 2m + 0, जहाँ पर m की वैल्यू है 3q + 2। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया कि हमारा a इवन है। 6q + 5, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, a इज इक्वल टू 2 × 3q + 5। अब रिमाइंडर तो हमें 2 से बड़ा नहीं चाहिए, अगर हमारा डिवाइज़र 2 है तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, रिमाइंडर तो हमें 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिल सकता है या फिर 0 मिल सकता है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 2 × 3q + 5 की जगह हम लिख देते हैं 4 + 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3q + 2 + 1। 3q + 2 तो एक इंटीजर है, इसको अगर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू 2m + 1, यानी a को 2 से आप डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, a इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब a इज ऑड, a हमारा ऑड इंटीजर है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला कि किसी भी इवन इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 6q से,
ए इज इक्वल टू 6q+2 से और ए इज इक्वल टू 6q+4 से। लेकिन अगर कोई ऑड इंटीजर है तो वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है ए इज इक्वल टू 6q+1, ए इज इक्वल टू 6q+3, ए इज इक्वल टू 6q+5। यही हमें क्वेश्चन में शो करने को बोला गया था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। तो अब हम क्या बता सकते हैं कि दिस शोज दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस और दिस, वेयर q इज सम इंटीजर। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन आर्मी कंटिजेंट, एक आर्मी कंटिजेंट है ऑफ 616 मेंबर्स, उसमें 616 मेंबर्स हैं और इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक परेड हो रही है और उस परेड में हमें क्या दिया है, उस परेड में हमें ये दिया है कि 32 मेंबर्स का एक बैंड आगे मार्च करेगा और 616 मेंबर्स का एक बैंड इनके पीछे यहाँ पर मार्च करेगा, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये कितने लोग हैं, 32 मेंबर्स हैं यहाँ पर और ये कितने हैं, ये 616 मेंबर्स हैं। इन्हें इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो अगर मान लो ये हमने लोग चार कॉलम में अरेंज किए हैं तो इन 616 लोगों को भी हमें चार ही कॉलम में अरेंज करना होगा। इन्हें हमने पांच कॉलम में अरेंज किया है तो इन्हें भी पांच में करना होगा। इन्हें 10 में अरेंज किया है तो इन्हें भी 10 में ही अरेंज करना होगा। वॉट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, आपको बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स में ये मार्च कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें फाइंड करने हैं, वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब आपको ये पता होगा कि मिलिट्री बैंड या कंटिजेंट जब भी ये मार्च करते हैं, परेड होती है, तो इसमें एक स्पेशल बात तो आपने देखी होगी कि हर कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो होने चाहिए। इसका मतलब इन 32 लोगों को अगर हमें कॉलम में अरेंज करना है और हर कॉलम में हमें इक्वल नंबर ऑफ़ पीपल चाहिए, तो ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम है ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 32 का फैक्टर होगा, जो 32 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, नहीं तो हमें सेम नंबर ऑफ़ पीपल कॉलम में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही इन 616 पीपल को भी हमें उतने ही कॉलम्स में अरेंज करना है, तो वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 616 का भी फैक्टर होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिलेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि जो नंबर हमें चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, वो एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉलम का नंबर कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, बड़े से बड़ा, तो ये एन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो 616 और 32 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा, वही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। एच सी एफ निकालना तो हमें आता है, हम निकाल लेते हैं। एच सी एफ हमें निकालना है 616 एंड 32 का, तो डिवीजन एल्गोरिदम हम लगाएंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, हम डिवाइड कर देते हैं। बड़े नंबर को हमने डिवाइड किया छोटे नंबर से, तो क्या आएगा, डिवाइड कर लेते हैं, 32 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 29, इस 6 हमने ऊपर से उतार लिया, फिर डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ हमारे पास आ गया 288, माइनस किया, रिमाइंडर बचा 8। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 32 तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी यहाँ पर हमारा डिवीजन ख़त्म। तो एच सी एफ हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जो इस टाइम पर लास्ट डिवाइजर है यानी 8। इसी को लेमा के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहला डिवीज़न हमने क्या किया था, 616 को डिवाइड किया था 32 से, तो हमें क्वोशेंट मिला था 19 और रिमाइंडर हमें मिला था 8, और फिर हमने 32 को डिवाइड किया था 8 से, तो क्वोशेंट हमें मिला था 4 और रिमाइंडर हमें मिला था 0। तो एच सी एफ हमारे पास निकल कर आया 8, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स
एट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 2m और 2m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर m को इंटीजर है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। कैसे सॉल्व करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा b क्या होना चाहिए। तो यहाँ हम अगर इसको ए क्यू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करें तो हमें दिखाई दे रहा है बी हमारा 3 है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर और इस पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो बी हमारा क्या है? 3। अगर ऐसा है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। तो ये जो a पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, ये क्या क्या हो सकता है? या तो a हो सकता है 3q प्लस 0, या फिर ये a हो सकता है 3q प्लस 1, या फिर ये a हो सकता है 3q प्लस 2। इसके अलावा तो ये और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप 3 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। अब यहाँ पर बात सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की नहीं की गई है, बात की गई है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों साइड यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें ए से मतलब नहीं है, अब हमें ए के स्क्वायर से मतलब है कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। तो ए का हो गया स्क्वायर, ए स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया? 3q का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे हमें किस फॉर्म में लाना है? 3m या 3m प्लस 1। तो 3 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? 3q स्क्वायर। क्यू इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है और 3 × q स्क्वायर भी इंटीजर है। तो इसकी जगह अगर हम इस इंटीजर को हम m से रिप्रेजेंट कर दें तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 3m, 3m आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि a का जो स्क्वायर है वो 3m है। ए का स्क्वायर यहाँ पर 3m आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो 1 सेकेंड, हाँ, तो ए का स्क्वायर हमें यहाँ पर 3m आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड केस में अगर हम देखें a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये प्रोसीजर अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, हमारे पास आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो 3q का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2 × a × b। अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 6q, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें दिखाई दे रहा है कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब क्योंकि ये एक इंटीजर है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दें अगर m से, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ पर m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यानी किसी नंबर के स्क्वायर को अब तक हमने क्या देखा, कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m की 3m से या 3m प्लस 1 से। अब एक केस और बचा है, उसे हम देखते हैं। थर्ड केस है ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो हमें ए से तो मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि स्क्वायर से। तो फिर से हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का के होल का स्क्वायर। तो
स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू, 2 इंटू 3 क्यू प्लस इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले भी लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 4। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें, इसकी सम नंबर है ये इज इक्वल टू 3 इंटू डिवाइज़र इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइज़र 3 है जबकि रिमाइंडर यहाँ पर 4 है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3 प्लस 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि क्यू इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 भी इंटीजर है, इस इंटीजर को अगर हम m से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा ए स्क्वायर आएगा 3m प्लस 1, जहाँ पर m इक्वल है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 के। तो हमने क्या देखा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम या तो 3m या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, इससे अलग कुछ और वो नहीं हो सकता है। तो किसी भी, तो आप क्या लिख देंगे इसके बाद कि दिस शोज दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ बात कर रहे हैं क्यूब की, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m हो सकता है या 9m प्लस 1 हो सकता है या 9m प्लस 8 हो सकता है, तो ये 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 को अगर हम कंपेयर करें बी क्यू प्लस आर से, तो दिखाई हमें ये दे रहा है कि हमारा डिवाइज़र क्या है, 9 है और ये 0, 1 और 8 तो रिमाइंडर है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम डिवाइज़र को 9 लेकर चलते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने सारे रिमाइंडर्स होने पॉसिबल हैं, तो आपको इतने सारे केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमारा ए क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ए क्या क्या निकल कर आएगा, 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 3, 9 क्यू प्लस 4, 9 क्यू प्लस 5, 9 क्यू प्लस 6, 9 क्यू प्लस 7, 9 क्यू प्लस 8, और बात कर रहे हैं फिर ए की बात भी नहीं कर रहे, ये ए के क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हमें इन सब का क्यूब करना पड़ेगा। जैसे 9 क्यू प्लस 8 हमारे पास अगर ए की वैल्यू आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तब हमारे पास क्यूब की वैल्यू निकल कर आएगी। ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इसमें रिक्वायर्ड होंगी, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये इजी हो जाए, थोड़ी कैलकुलेशंस कम हो जाए, उसके लिए हम क्या करें, तो ये हम यहाँ पर सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचते हैं कि अगर हम b को 9 की जगह 3 ले लें, सपोज b 9 की जगह 3 है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स आएंगे वो रिमाइंडर सिर्फ 3 आएंगे, 0, 1 या 2, यानी हमारे पास सिर्फ 3 केसेस बनकर आएंगे, या तो हमारा a 3q प्लस 0 है, या तो हमारा a 3q प्लस 1 है, या तो हमारा a 3q प्लस 2 है। तो अगर हम यहाँ पर क्यूब करते हैं दोनों तरफ, तो 3 का क्यूब है 27, और जब हम इसका होल क्यूब भी करेंगे हमें ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो 9 या 9 से बड़े होंगे, और उनमें से हम 9 को कॉमन निकाल कर उनको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम यहाँ डिवाइज़र को 9 नहीं रखते, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन इससे हमारा सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइज़र को रख रहे हैं 2, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ गया, 0 या 1 या 2,
और ए क्या है हमारे पास, हमने माना है कि ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ए हमारा या तो 3q है, या फिर ए हमारा 3q+1 है, या ए हमारा 3q+2 है। अब हम फिर इन्हें सॉल्व करके देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो इस बार क्योंकि हमें ए से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए के क्यूब से, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3q, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3q का क्यूब। तो 3q का हमने क्यूब किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 27q³, 27q³। लेकिन हमें क्या चाहिए, 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में। तो क्या इसमें से हम 9 बाहर ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 9 × 3q³। अब क्यू इंटीजर है, तो 3q³ भी एक इंटीजर ही होगा। तो इस इंटीजर को अगर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू 3q³, तो हमारे पास क्या आया, a³ = 9m। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m की फॉर्म में हो सकता है। दूसरा केस देखते हैं हम, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, a = 3q+1। फिर से हमने क्यूब किया दोनों साइड, तो a³ = 3q+1 का होल का क्यूब। a + b का क्यूब आपको याद होगा, x + y का होल क्यूब अगर हम करते हैं, तो क्या आप आइडेंटिटी क्या है आपके पास, x³ + 3x²y + 3xy² + y³, तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, a³ = 3q³ + 3 × 3q² × 1 + 3 × 3q + सॉरी × 1² + 1 का क्यूब। तो a³ हमारे पास निकल कर आया 27q³ + 3 × 9 = 27q² + 9q + 1। इन तीनों टर्म्स में हमें दिखाई दे रहा है कि हम इनमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो a³ = 9 हमने ले लिया कॉमन, 3q³ + 3q² + q + 1। अब ये तो क्योंकि एक इंटीजर है, अगर हम इसको m से रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास a³ = आ जाएगा 9m+1, जहाँ पर m हमारा इक्वल है 3q³ + 3q² + q के, जो कि एक इंटीजर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m+1 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें तो हमें मिल रही हैं, सब सही चल रहा है। a = 3q+2। थर्ड एंड लास्ट केस देखते हैं, क्यूब किया दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिला, a³ = 3q+2 के होल का क्यूब। फिर से हमने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगाकर इसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3q³ + 3 × 3q² × 2 + 3 × 3q² × 2² + 2 का क्यूब। ओपन किया इसको और, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर मिला 27q³, यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिलेगा 54q², यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा 36q, और यहाँ हमें मिलेगा 8। 8 तो 9 से छोटा ही है, तो यहाँ से तो 9 कॉमन लेने का या स्प्लिट करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर हमें डिवाइज़र 9 चाहिए तो रिमाइंडर तो 8 हो सकता है। इन तीनों टर्म्स में से हम 9 ले लेते हैं कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा, a³ = 9, 3q³ + 6q² + 4q + 8। अब ये क्योंकि एक इंटीजर होगा, क्यू इंटीजर है, तो ये भी एक इंटीजर होगा। तो a³ = 9m+8, जहाँ पर m एक इंटीजर है जो इक्वल है 3q³ + 6q² + 4q के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m+8 की फॉर्म में हो सकता है।
इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि अगर हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो सिर्फ वो नंबर या तो 3 क्यूब हो सकता है या 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2। इसके अलावा 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर और कुछ तो नहीं आ सकता। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि सो क्यूब ऑफ, क्या लिख देंगे आप, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई। अगर आपको उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के हमारे काम में आएगा, और अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। बाय, टेक केयर।